Hello friends, today we are going to learn about UPS, Uninterruptible Power Supply. Uninterruptible का मीनिंग ये होता है कि आपके पावर सप्लाई में कोई भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन या पावर रिडक्शन नहीं होना चाहिए. बेसिकली इसका मेन एडवांटेज ये होता है कि जब आपका मेन पावर सप्लाई ऑफ हो जाए, यानी कि आपके घर लाइट चले जाए या आपके प्रमाइसिस में, कमर्शियल प्रमाइसिस और कोई भी प्रमाइसिस में लाइट चले जाए, उस वक्त आपके लोड को सप्लाई देने का काम यूपीएस पावर सप्लाई करता है. यूपीएस पावर सप्लाई लोड के लिए जो है एक शॉर्ट पीरियड के लिए पावर सप्लाई देता है. डिपेंडिंग इसका डिपेंडेंट होता है लोड कैलकुलेशंस और अप्लायंसेस लोड वेटिंग से, वो हम आगे देखेंगे. वोल्टेज स्पाइक करेक्शन क्विक रिडक्शन, ये इसका एक मेन एडवांटेज है कि आपका जो वोल्टेज है ऐसे किसी एरिया में या कुछ फ्लक्चुएशंस की वजह से हाई लो वोल्टेज में स्पाइक्स आते हैं, जिसको ये यूपीएस करेक्ट साइनोसाइडल वेवफॉर्म बना के आपको देगा. यानी कि आपके इसमें हाई लो वोल्टेज के लिए भी एक कांस्टेंट स्टेबलाइज्ड वोल्टेज हमको मिलेगा. साथ ही साथ नॉइज रिमूवल, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, ये कुछ उसके मेन एडवांटेजेस हैं. हम लोग यूपीएस को कैटेगराइज दो पार्ट में करते हैं, एक ऑफलाइन यूपीएस एक ऑनलाइन यूपीएस. ऑफलाइन यूपीएस जो हमारे स्मॉल एप्लीकेशन यानी कि डेस्कटॉप वगैरह के लिए यूज होते हैं, जो छोटे मोटे एप्लीकेशन है, जैसे कि हमको डेस्कटॉप 10 मिनट 15 मिनट के लिए चलाना है, वहां पे हम लोग को ये यूपीएस देखा जाता है. ऑनलाइन यूपीएस जैसे कि हमारे को जहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारे अप्लायंसेस है, जैसे कि आपको हॉस्पिटल में कुछ मशीन्स है, डेटा सेंटर्स के सर्वर्स है, कमर्शियल प्रमाइसिस में ऑफिस, स्टॉक एक्सचेंज, मॉल्स, वहां पे हमको ऑनलाइन यूपीएस देखने मिलता है. डिफरेंस बिटवीन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन यूपीएस, देखिए ऑफलाइन यूपीएस में क्या होता है, ऑफलाइन यूपीएस में बैटरी जो है वो ऑलवेज पैरेलली कनेक्टेड रहती है, सो दैट इन केस ऑफ मेन फेल्यूर आपका बैटरी जो है आपको लोड के लिए वोल्टेज या पावर प्रोवाइड करेगा. जब आपका बाय डिफॉल्ट मेन पावर सप्लाई एक्टिव रहेगा, उस वक्त क्या होगा कि उस वक्त दो चीजें होगी. एक तो आपको लोड को पावर सप्लाई मिलते रहेगा, जिसमें आपको यहाँ पे सर्ज सप्रेसर और फिल्टर, जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको वोल्टेज एक प्रॉपर साइनोसाइडल वेवफॉर्म में मिलेगी. और दूसरा, जब आपका मेन पावर सप्लाई ऑन है, उस वक्त क्या है कि आपका एसी डीसी करके, यानी एसी टू डीसी कन्वर्टर जिसे हम रेक्टिफायर बोलते हैं, वो क्या करेगा, ये वोल्टेज को हमारे डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करके बैटरी चार्ज करवा देगा. बैटरी चार्ज होने के बाद में जब आपका ये पावर सप्लाई फेल हो जाता है, तो जो पैरेलली कनेक्टेड है ड्यू टू दिस ट्रांसफर स्विच से होता क्या है कि ये जो ट्रांसफर स्विच से होता क्या है कि ये जो आपका जब मेन पावर सप्लाई ऑफ हो गया है, उस वक्त ये ट्रांसफर स्विच लोड जो है वो इधर कनेक्टेड हो जाएगा, यानी कि आपका बैटरी से लोड को कनेक्शन जाएगा. नेक्स्ट इज ऑनलाइन यूपीएस. ऑनलाइन यूपीएस में और ऑफलाइन यूपीएस में यही फर्क है कि ये कनेक्शन जो थे इसके बैटरी के, वो पैरेलली थे, इसके कनेक्शन सीरीज में रहेंगे. सीरीज में रहेंगे मींस आपका मेन पावर सप्लाई पहले रेक्टिफायर को जाएगा और रेक्टिफायर से बैटरी चार्ज होगा, साथ ही साथ इन्वर्टर को होते हुए वो लोड के लिए दिया जाएगा. इस कंडीशन में एक ड्रॉबैक ये था कि यहाँ पे हम लोगों का अगर ये सीरीज में होने की वजह से रेक्टिफायर, इन्वर्टर या बैटरी तीनों में से कोई भी चीज खराब होगी तो हमको लोड को सप्लाई देने नहीं मिलेगा. इसके लिए इसके एक अरेंजमेंट सेपरेट की गई थी जिसे बायपास बोला जाता, इसे मेंटेनेंस बायपास बोला जाता है या स्टैटिक बायपास भी कहा जाता है. अब बात करते हैं यूपीएस के बायफर्केशन की. यूपीएस का बायफर्केशन तीन चीजों पे होता है. एक तो उसका पावर रेटिंग, जितना हमें पावर रेटिंग रिक्वायर्ड है, लोड का जिस तरीके से फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिख रहा है, लोड इज इक्वल टू किलो वैट यानी कि किलो वोल्ट एम्पियर. पावर, यूपीएस पावर को कैलकुलेट करने के लिए हमको लोड मल्टीप्लाई बाय बैकअप आवर्स इसीलिए जरूरी है कि आप कितने घंटे का आपको बैकअप रिक्वायरमेंट है. लोड सपोजली मान लीजिए आपका 900 किलो वैट है और आपको बैकअप उसको चाहिए 10 घंटे के लिए. That means पावर उसका आ जाएगा 9000 किलो वैट. 900 किलो वैट आपका इंस्टेंट पावर रिक्वायर्ड था और उसको आपको 10 घंटे चलाना है, तो आपका इस तरीके से 9000 किलो वैट का आपको पावर रेटिंग का यूपीएस लगेगा. अंडरस्टूड? नाउ टाइप्स ऑफ यूपीएस में एक और चीज आती है कि उसमें फेज ऑफ यूपीएस कौन से तरीके से है. जैसे कि सिंगल फेज जो हमारे घर में 230-240 वोल्ट आता है, उसको सिंगल फेज लेके सिंगल फेज आउट करवा देगा. या दूसरा टाइप है थ्री फेज वन आउट. थ्री फेज को हम सिंगल आउट यूपीएस देंगे,
या थ्री फेज को हम थ्री फेज सेपरेट तीनों फेज आरवाई भी आउट देंगे। थर्ड टाइप है बैटरी टाइप। बैटरी टाइप में दो चीजें हैं, एक तो हमको बैटरी टाइप है वो जस्ट डिसाइड करेगा यूपीएस मॉडल, यानी कि यूपीएस का मैन्युफैक्चरर जो है वो आपको डिसाइड करेगा लीड एसिड बैटरी चाहिए लिथियम बैटरी चाहिए, वो हम आगे देखेंगे। दूसरा है बैटरी रेटिंग्स। बैटरी रेटिंग्स एम्पियर आवर्स हमारा इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको टोटल जब बैटरी पावर हम कैलकुलेट करेंगे उसमें हमको नंबर ऑफ बैटरीज मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय एम्पियर आवर्स, इस तरीके से हम बैटरी का पावर जो हमको गेन मिलने वाला है वो हम निकालेंगे। ये चीज का एक्सप्लेनेशन भी हम आगे देखेंगे। अब हम समझेंगे लोड कैलकुलेशन यूपीएस का किस तरीके से किया जाएगा। यूपीएस का लोड कैलकुलेशन करने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको कितने नंबर ऑफ लोड्स उस यूपीएस पे लगवाने हैं। जैसे कि आपके पास में कुछ सर्वर्स डेस्कटॉप लैपटॉप जो आपको चलाने थे उसका आपने एक लिस्ट बना लिया कि मुझे ये चलाने हैं, कुछ नंबर ऑफ लाइट्स चलाने हैं, कुछ नंबर ऑफ एसी चिलर्स या कुछ और चलाने हैं, तो वो आपने कैटेगरीज कर दिया। उसके बाद में हम उसका पावर रेटिंग देखेंगे कि इतने लिस्ट का इतना पावर रेटिंग होता है, उन पावर रेटिंग्स को हम ऐड कर देंगे। उस पावर रेटिंग्स का हमें एक रिक्वायरमेंट निकल जाएगा, वो हमारे हो गए पावर रेटिंग पूरे के पूरे। जिस तरीके से ये एग्जांपल हम लेंगे कि हमारे पास में 10 अप्लायंसेस है जो 10 वोल्ट एम्पियर पे चल रहे हैं, यानी कि हमारा 100 वोल्ट एम्पियर जो है हमारा रिक्वायरमेंट है। करेक्ट। अब 100 वोल्ट एम्पियर रिक्वायरमेंट है, उसके बाद में हमें ये देखना है कि हमें नंबर ऑफ आवर्स कितने चलाने हैं। नंबर ऑफ आवर्स सपोज हमारे यहाँ पे 10 नंबर ऑफ आवर्स। सो 10 नंबर ऑफ आवर्स के लिए वो चलेगा तो रिक्वायरमेंट हमारा किस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100 वोल्ट एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि हमारा हो गया यहाँ पे 1 KVA, 1 VA और 1 KVA भी बोला जाएगा या 1 KW भी बोला जाएगा, ऑल आर कॉमन। तो हमने कंसीडर किया कि हमारा पावर रिक्वायरमेंट जो है वो 1 KW का है। अब हम 1 KW का पावर रिक्वायरमेंट लेके मार्केट में जाके यूपीएस ले गए और 1 KW का हम यूपीएस ले लेंगे, बट उसके साथ में कुछ चीजें एसोसिएट होती है जो हमें मालूम होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो पावर हमारा 1 KW का आया एग्रीड, बट 1 KW का अगर मैं यूपीएस लेने जाऊंगा तो मुझे क्या उसमें डिजायर 1 KW का आउटपुट मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसमें एक चीज एसोसिएट होती है, वो होती है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर वो होती है कि जो कुछ पावर यूपीएस का कंज्यूम कर लेते हैं, जो उसके अंदर ही बैकअप जो सर्किट होता है या ट्रांसफॉर्मर होते हैं, वो कुछ पावर उसमें से खींच लेते हैं, उसको बोलते हैं पावर फैक्टर। तो हर कंपनी का मैन्युफैक्चरर बोल के रख देता है कि मेरा पावर फैक्टर जो है वो 0.9 है, 0.8 है, 0.10 है, कुछ भी नंबर ऑफ पावर फैक्टर्स वो अपना ओईएम खुद एक कस्टमर को सजेस्ट कर देता है, मेरा इतना पावर फैक्टर है, मैनुअल में भी लिखा होता है। तो यूपीएस मैन्युफैक्चरर से हमको पावर फैक्टर पता चल जाएगा। अब हमारा था 1 KW का वेट का पावर रिक्वायरमेंट और मल्टीप्लाई हो गया पावर फैक्टर, अब हमारा आ गया 900 वोल्ट एम्पियर, जबकि रिक्वायरमेंट हमारा 1000 वोल्ट एम्पियर का था, हमें मिलेगा 900 वोल्ट एम्पियर। इसीलिए हम लोगों को एक चीज करना पड़ेगी, हम लोगों को 1 KVA से ऊपर जाना पड़ेगा जिसमें पावर फैक्टर मल्टीप्लाई होकर एटलीस्ट 1 KVA है, राइट। लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिकल सिनेरियो में हमें एक और चीज कंसिडर करना पड़ती है कि जो पावर रेटिंग है वो पावर रेटिंग में एक होता है इनिशियल पावर रेटिंग। इनिशियल पावर रेटिंग यानी कि जब सर्वो स्टार्ट होता है, मोटर हेयर ड्रायर जो भी है घर के अप्लायंसेस इस तरीके से बाहर सर्वर्स कमर्शियल अप्लायंसेस में वो स्टार्ट होते, तो स्टार्ट में वो ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को ये कंसिडर करना पड़ेगा कि हमारा यूपीएस जो है वो हाईएस्ट लोड उस पे 70% रहे, 30% इन सब चीजों के लिए छोड़ दिया जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, यूपीएस 70% के लिए छोड़ना है, यानी कि हमको 1.7 केवीए का यूपीएस खरीदना पड़ेगा। 1.7 केवीए का यूपीएस खरीदने के लिए हम लोगों को बेसिकली आता नहीं है, तो हम लोग जाएंगे 2 KW वाला यूपीएस खरीद लेंगे जिसमें हमें 1 KW प्लस पावर फैक्टर प्लस प्रैक्टिकल सिनेरियो से जो होने वाले पावर कंजम्पशन वो सारी चीजें उसमें एड ऑन हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी बेस्ट इसीलिए है क्योंकि आप जब यूपीएस खरीद रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि आपके अप्लायंसेस को रन होना बहुत जरूरी है, तो यूपीएस में फेल, यूपीएस भी एक इलेक्ट्रॉनिक सी चीज है,
इलेक्ट्रिकल चीज है, फेल्यूर जाहिर सी बात हो सकता है, तो उसमें उस केस में हमको उसको प्लस वन एक एड ऑन करना बेस्ट सॉल्यूशन है। अदरवाइज कॉस्ट अगर चिप है, आपको इतना इसका रिक्वायरमेंट नहीं समझ जम रहा है तो कोई बात नहीं, वैसे हम लोग रिडंडेंसी को और इलाबोरेट आगे करने वाले हैं कि किस किस तरीके से रिडंडेंसी दी जा सकती है। अब देखेंगे हम कनेक्शन ऑफ यूपीएस के बारे में। यूपीएस में हमें इनपुट पैनल आउटपुट पैनल मिलता है। इनपुट पैनल में हम यहाँ से इनपुट पावर सप्लाई को कनेक्ट करते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आउटपुट पैनल में सिमिलरली हम जहाँ पे आउटपुट पावर सप्लाई के जहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं वो आउटपुट पैनल में हमें मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस जाने की जहाँ से हम लोड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अप्लायंसेस के लिए वो होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस। और फोर्थ होगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में जैसे कि पहले तो एक हर यूपीएस वाले कुछ अच्छे अच्छे ब्रांड के यूपीएस आप खुद अपना एप्लीकेशन दे देते हैं और एप्लीकेशन को साथ वो इंटीग्रेट करके दे देते हैं कि आपको उसका हर टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाएगा। देन उसको हमारे बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम से भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, चाहे अलार्म्स के लिए फेल्योर, इन केस ऑफ फेल्योर अलार्म्स दिएगा। एस्काडा में भी सेम जैसा बीएमएस में, उसमें एस्काडा को भी हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। एनटीपी क्लॉक यानी कि हमें सबसे इम्पोर्टेंट होगा टाइमिंग उस यूपीएस का, जब उसमें फेल्योर आया अगर अलार्म देना है तो उसके लिए भी हमें इंटीग्रेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं ऑनलाइन यूपीएस में। अब बात करेंगे यूपीएस के कुछ इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में। जैसे मैंने बताया था बैटरी टाइप हमें यूपीएस मैन्युफैक्चरर खुद बताएगा कि उसको कौन सी बैटरी लगवाना है, लिथियम या लीड एसिड बैटरी, तो ये हम लोग को तो मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से ही मिल जाएगा। अगर हम उससे परचेस करना चाहते हैं या हम किसी और से भी परचेस करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। बेस्ट रहेगा कि जो मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करेगा वही हमें बैटरी लेना है। देन सेकेंड है रूम टेम्परेचर। अब जब हम उसको लाएंगे तो उसको कहाँ पे रखेंगे या उसका जो एरिया रहेगा, तो आप ये ध्यान में रखिए कि उसको रूम टेम्परेचर जो 22 डिग्री से 26 डिग्री सेंटीग्रेड ये एक आइडियल टेम्परेचर है। इससे ज्यादा भी होता कम भी होता कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हालांकि हर यूपीएस अपना मैनुअल पे एक उसका टेम्परेचर रेटिंग्स लिखा होता है कि उसको एक रूम टेम्परेचर और एक उसका खुद का इंटरनल टेम्परेचर, ये दोनों टेम्परेचर जो है हमें मैनुअल्स में मिल जाते हैं। थर्ड है मेंटेनेंस स्ट्रेटेजी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटेनेंस स्ट्रेटेजी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही आपके यूपीएस को टिका के रखेंगे। इसमें हम इसको दो पार्ट में कर लेंगे, एक डेली में और एक मंथली क्वार्टरली में। चाहे आप मंथली करें तो बेस्ट है वरना क्वार्टरली तो ये आपको कर ही लेना है। डेली में हम लोग देखेंगे कि हमें एप्लीकेशन को उसको बार बार देखना है। यार डेली में कैसा है कि एक दिन हम चेकलिस्ट बना लेते हैं डेली में, उसमें हम चेकलिस्ट में देखेंगे कि आज मैंने एप्लीकेशन देखा है, एप्लीकेशन में दिख रहा है हमको कोई बैटरी एरर या कुछ एरर है नहीं, सब सही चल रहा है, इनपुट पैनल भी ओके आउटपुट पैनल भी ओके है। देन सेकेंड है टेम्परेचर ऑफ रूम। ऑब्वियसली जैसा बताया हमें डेली चेकलिस्ट में ये भी ऐड करना पड़ेगा कि उसका टेम्परेचर जो है रूम का वो सही है। और थर्ड जो है इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, क्योंकि हम लोग 1 kV तो हम बोल रहे हैं लेकिन हमें बेसिकली जहां ज्यादा रिक्वायरमेंट है 10 kV, 20 kV, 120 kV, 250 kV, 260 kV, तो वहां पे क्या है कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस उसके प्रॉपर है, ये हमें डेली जाके चेक करना जरूरी है। जब बात करते हैं मंथली और क्वार्टरली की, तो उसमें एक चीज ये होती है कि हमें बैटरी टेस्ट उसका करना जरूरी है। हर मंथ बैटरी टेस्ट करेंगे बेटर रहेगा, हमें बैटरी का रेटिंग मिलता रहेगा, बैटरी ठीक है चल रही है, सारे बैटरी हम एक बार चेक कर लेंगे, हमें बैटरी टेस्ट का एक चेकलिस्ट हमारा बन जाता है। दूसरा है लोड टेस्ट। अब ऐसा ना हो जाए कि हमने यूपीएस तो खरीदा था लेकिन बाद में अप्लायंसेस बढ़ते चले गए और हमारा लोड भी बढ़ गया और लोड टेस्ट जो है हमने देखा ही नहीं था, तो हर मंथ हमको लोड टेस्ट भी उसका करना जरूरी है कि उस पे हम जो लोड दे रहे हैं, हमको जो लोड प्रोवाइड करना है वो लोड कैलकुलेशन हमारे आज भी ऐसी है कि हमारा यूपीएस जो है उसको सस्टेन कर जाएगा। थर्ड है क्लीनिंग। इंटरनल क्लीनिंग और रूम क्लीनिंग, ये तीनों चीजें जरूरी है, मंथली करें बेटर है।